हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। तो एक बार फिर आ गए हैं हम लोग ठंड का इलाज ढूंढने के लिए, और आज की रम डायरीज में हम कर रहे हैं रिव्यू प्लूटोन बे रम। लास्ट वीक हमने रेडिको खेतान की ब्रांडी का रिव्यू किया था, मॉर्फियस एक्सो ब्रांडी, जो मुझे टेस्ट में काफ़ी डिसेंट लगी फॉर द प्राइस। और आज हम उन्हीं की रम का रिव्यू कर रहे हैं, ये प्लूटोन बे रम। और काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इस रम का रिव्यू किया जाए। लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि ये जो रम है ये ओल्ड वॉन्ग से भी ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट रम है मार्केट में। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं पी ये वाली रम, बट लेट्स सी, आज ट्राई करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में क्या बात है इस रम में जो इतनी तारीफ करते हैं लोग इसकी। सो एज आई सेड, रेडिको खेतान के हाउस से आई है और वहीं से आती है काफ़ी फेमस ब्रांड्स जैसे कि मैजिक मोमेंट्स वॉडका एंड रामपुर सिंगल मॉल्ट। एंड आई हैव टू सेड वंस अगेन दैट आई रियली डू लाइक देयर बॉटलिंग डिज़ाइंस, क्योंकि मुझे मॉर्फियस ब्रांडी की भी जो बॉटल डिज़ाइन था काफ़ी पसंद आया था। एंड अगेन आई रियली लाइक दिस बॉटल, इट्स अ वेरी क्लीन सिंपल बेल शेप बॉटल, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। इसकी कलर स्कीम में जो उन्होंने यूज़ करी है यहाँ पर वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। और अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता है दैट आई लाइक सिंपल थिंग्स एंड दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। और काफ़ी प्रीमियम फील देती है ये बॉटल, जिस तरीके से उन्होंने ब्रांडिंग करी है, जिस तरीके से बॉटल की शेप बनाई है, इवन जो रैपर है ऊपर, इवन दैट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। सो लेट्स सी कि टेस्ट में भी क्या ऐसा ही प्रीमियम टेस्ट देती है हमें। साथ में इसकी पैकेजिंग पर यहाँ एक एक्सप्लोरर की थीम दी गई है। यहाँ पे देखेंगे आप एक कंपस बनाए एम्बलम की तरह, और साथ में आपको एक लाइट हाउस दिख जाएगा, एक आइलैंड की तरह बनाया हुआ है। सो वेरी सटल एंड इफेक्टिव। एंड देर इज़ वन यूनिक थिंग अबाउट दिस रम, नॉर्मली जो हम डार्क रम पीते हैं वो बनती है मोलासेस से, लेकिन इस रम में यूज़ करी गई है शुगर केन जूस अलॉन्ग विद मोलासेस। ऐसा नहीं है कि शुगर केन जूस से कोई रम नहीं बनती, देर इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ रम कॉल्ड रम एग्रीकोल जो कि शुगर केन जूस से बनती है, बट आई डोंट थिंक कि मैंने इंडिया में कोई और रम देखी है इसके अलावा जिसमें शुगर केन जूस की बनी हुई स्पिरिट यूज़ होती हो। ऐसा नहीं है कि इसमें जो रम बनी है वो सब सारी की सारी शुगर केन जूस के स्पिरिट से बनी है, इसमें ब्लेंड किया गया है वो मोलासेस की स्पिरिट के साथ, बट स्टिल आई एम श्योर इट वुड हैव समथिंग डिफरेंट टू ऑफर फॉर आर टंग। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग दिस बॉटल। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो इसका प्राइस है ₹410 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। सो ओल्ड मॉन्क से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कैप्टन मॉर्गन एंड बकाडी ब्लैक जो रम है उन्हीं की रेंज में है इसका प्राइस, विच इज़ नॉट बैड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू प्रोसेस, टेस्ट करते हैं इसे अब। और जैसे मैं करता हूँ हमेशा, तीन तरीके से मैं टेस्ट करूँगा, पहले इसे करूँगा नीट, फिर वाटर के साथ, और उसके बाद विथ कोक। तो डार्क ब्राउन कलर है इस रम का और काफ़ी हैवी बॉडीड है, क्योंकि जब इसमें स्वर्ल कर रहा हूँ तो उसके जो ब्राउन लिक्विड है वो ऑलमोस्ट इस ग्लास से क्लिंग ऑन हो रहा है। सो डेफिनेटली वेरी हैवी बॉडी ड्रम। नोजिंग करते हैं, स्लाइट बिटरनेस आ रही है मुझे नोज पर, मेडिसिनल नोट्स आ रही हैं, वैसे नोट जो मुझे मैकडॉनल्ड्स नंबर वन से आए थे, बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। स्लाइटली मिंटी, स्लाइटली लेमन टार्ट जैसा नोट्स आ रहे हैं। टेस्ट करते हैं, कुछ स्पाइसीनेस है इसमें अलग सी, आई डोंट थिंक कि मैंने वो फील करी है किसी और रम में आज तक। वेरी नाइस स्वीट एंड स्पाइसी बैलेंस्ड फ्लेवर। टेस्ट में वो हल्का हल्का मेडिसिनल फ्लेवर आ रहा है मुझे जो मुझे मैकडॉनल्ड्स रम से आया था, बट दैट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बैकग्राउंड में है, वो आपके टेस्ट को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इट डजेंट गिव दैट वॉर्म्थ हनी टेस्ट जो आपको ओल्ड मॉन्क से आता है या कैप्टन मॉर्गन से आता है। इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू इट।
आपको लगेगा कि आप कुछ अलग तरीके की रम पी रहे हैं. इट्स नॉट द सेम टेस्ट, इट्स नॉट ट्राइंग टू कॉपी एनी अदर रम. सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर आई थिंक हैविंग दिस रम नीट वंस इन अ वाइल. मुझे कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं लगा इस रम में, काफ़ी स्मूथ है. टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी है इसका, नॉट एज स्वीट एज ओल्ड मंक. सो जो उसकी स्वीटनेस है डेफिनेटली दैट्स द परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस जो मुझे पसंद है. चलिए अब इसे विद वाटर ट्राई करते हैं, और पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं. स्लाइट चॉकलेटी क्रैनबेरी चॉकलेट जो स्वीटनेस थी इस रम में वो और कम हो गई है पानी में मिक्स करने के बाद. बट जो स्पाइसीनेस थी, हल्की हल्की बिटरनेस भी है, वो थोड़ी सी उभर कर आ रही है. आई वाज गिविंग अ वेरी नाइस सूदिंग टेस्ट. डेफिनेटली चॉकलेट का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है मुझे विद वाटर. प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू रम्स जो मुझे पानी के साथ लेने में मज़ा आ रहा है. सो आई थिंक इवन नीट एंड विद वाटर इट टेस्ट क्वाइट गुड, वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर रम. चलिए अब इसे विद कोक ट्राई करते हैं. एक बार फिर मैंने पानी पी लिया है और अब मैं इसे ट्राई करता हूँ विद कोक. काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है. आई नो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट तीनों तरीके से पी के मैंने देखा है काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आ रहा है इसमें. आई डोंट नो कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स ऐड करी गई हैं अगर. सो देर इज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एडेड, वो ऑलमोस्ट हर रम में होती है. बट इसका जो टेस्ट है, जो इसमें फ्लेवर आ रही है, दैट्स क्वाइट यूनिक एज कम्पेयर टू अदर रम. विद कोक इसमें एक मुझे कुछ पान जैसा फ्लेवर आ रहा है. इट्स गोइंग क्वाइट वेल विद कोक. आई डोंट नो कि मुझे तीनों में से बेस्ट कैसे लगी. आई थिंक नीट मुझे सबसे अच्छी लगी, देन आई थिंक विद कोक एंड देन विद वाटर. बट दैट डजेंट मीन कि मुझे किसी भी तरीके से बुरी लगी. इट्स डेफिनेटली अ रम विच आई कैन प्रॉब्ली हैव इन माई बार एंड ट्राई इट वंस इन अ वाइल. नॉर्मली मैं कोक नहीं पीता हूँ रम के साथ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द एक्स्ट्रा कैलोरीज. बट आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश दिस बिकॉज आई रियली लाइक दिस रम. एंड अगर आप नॉर्मली रम पीते हैं, आई वुड सजेस्ट इस रम को ट्राई करिए बिकॉज इट हैज़ समथिंग डिफरेंट टू ऑफर. इट्स नॉट ट्राइंग टू कॉपी एनीथिंग एल्स. एंड यस, जो शुगर किंग जूस का टेस्ट है वो आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं इस रम में. कुछ अलग ऑफर करती है ये रम. इवन जो स्वीटनेस है इस रम के अंदर वो काफ़ी अलग है बाकी किसी और डार्क रम से. सो माई थम्स अप टू दिस, गो एंड ट्राई इट. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो प्लूटोन बे रम के ऊपर. कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.